गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपना होम टूर का सेकंड पार्ट। तो आज हम आपको दिखाएंगे गार्डनिंग और साथ में कुछ फ्रूट्स भी लगे हुए, सीजनल फ्रूट्स, तो वो सब भी दिखाते हैं और हमारा गार्डन भी दिखाते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे लगे हुए हैं एलोवेरा के पेड़ और इस सेक्शन में है पूरे रोसेस की वेराइटी। तो अभी तो इनकी थोड़ी कटिंग हो चुकी है क्योंकि अभी विंटर आने वाला है और अभी बारिश में तो ज़्यादा फ्लावर देते नहीं है। तो ये सब जो एरिया है वो पूरे रोजेस के एरिया है ये सेक्शन। और ये जो आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा अंदर जाती हूँ, इसको बोलते हैं फुटबॉल लिली। कहीं एडिट होके मैं डाल दूंगी, अभी तो ये फ्लावर नहीं दिया है। बहुत ही प्यारा फ्लावर होता है, इतने बड़े से फुटबॉल लिली होते हैं। और ये सेवंती के पेड़ हैं और ये जो सदाबहार के होते हैं वो, उसका ये बहुत प्यारा कलर है और वो है स्नेक प्लांट। चलो, ये है नॉर्मल स्नेक प्लांट और मैं इसका थोड़ा एक अलग वेराइटी दिखाती हूँ। और ये सब क्रोटॉन के वेराइटीज हैं। और ये मोंगरा है, ये फिर फुटबॉल लिली है और कुछ कुछ सीजनल फूल है। और ये उसी में सदाबहार में ये अलग शेड है, देखिए इसमें वाइट नहीं है और इसमें थोड़ा बीच में आपको वाइट दिखेगा। और ये अपने क्रिसमस ट्री होते हैं उसको ऐसा कट दे दिए हैं यहाँ पर बड़े बलून शेड जैसा। और इधर से काउंट में शायद 1, 2, 3, 4, 5, 6 है क्रिसमस ट्री। और ये फिर रोज का दूसरा कलर आ गया। एक थोड़ा दूर से दिखाते हैं, ये ऐसा कुछ सेक्शन में डिवाइड है, मतलब घर में एंट्रेंस होने के अगल बगल भी क्यारी है और बीच में थोड़ा आंगन जैसा है। तो उस सेक्शन में क्या क्या है वो भी दिखाते हैं आपको। चलिए, ये रबर प्लांट है, ये अच्छा शेड है एक्चुअली, नॉर्मल डार्क शेड में मिलता है बट ये शेडेड वाला है। और ये एक पाम है, अभी तो बड़ा हो गया है काफी, पहले छोटा हुआ करता था। ये डहलिया लगे हुए हैं, ये शायद विंटर में वो देंगे फ्लावर। यहाँ पर ये सदाबहार बहुत है। और कोई ऐसे ही प्लांट है मुझे पता नहीं, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा। ये बहुत प्यारे फ्लावर देता है पर्पल कलर के। और ये सिग्नोलियम की कुछ वैरायटी है शायद, मुझे पत्तियाँ देख के तो वैसे ही लग रहा है ये सिग्नोलियम ही होगा। और ये हिबिस्कस है और यहाँ पे फिर आपको सदाबहार देखने को मिलेगा। और रोजेस के भी पेड़ हैं, अभी तो छोटे हैं ये काफी। और ये बड़ा क्रोटॉन हो गया है, ये बहुत बड़ा हिबिस्कस, ये है रेड कलर का। उसके बगल पे अभी भी है लाइन से बट ये फ्लावर नहीं दिए, इसमें शायद रेड सॉरी पिंक और वाइट कलर के शेड है। और यहाँ पे भी स्नेक प्लांट है बीच पे, ये एक एग्नोलियम है। इसके भी काफी वैरायटी, काफी पेड़ हैं घर पे और बाहर। और ये जो चांदनी फूल होता है ऐसे बोलते हैं वो है, फ्लावर भी आया हुआ है। और ये अशोक का पेड़ है, अभी ये एरिया कवर हो गया, मतलब ये जो फ्लावर गार्डन का एरिया था। अब चलते हैं ये गेट से किचन गार्डन की तरफ। तो
ऐसे ये बाड़ी जाने का आइडिया है यहाँ पे, और ऐसे मंडे बना दिए हैं, ऐसे मंडे बन चुके हैं यहाँ पे, जैसे लौकी वगैरह हो गया, सेमी वगैरह हो गया, तो बेलें अच्छे से चढ़ पाएंगे। और ये एक और फ्लावर प्लांट है, मतलब ये पूजा में लगता ही है, शिव जी को ज़्यादा, इसको धतूरा बोलते हैं हम लोग, आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड ये है फ्रूट, अनार का पेड़, इसमें अनार हालांकि लगे नहीं है अभी, बट शायद देगा। और ये सब सेमी के पेड़ हैं, तो अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, फ्रूट्स तो अभी लेट ही लगेंगे शायद, बाकी पेड़ अच्छे बन रहे हैं। एंड अदर देन यहाँ पे शुगर केन भी है साइड में, अभी तो जाते बचे नहीं। और ये है अरबी के पेड़, तो हमने कल ही इसके पकौड़े बना के खाए हैं। और एक और फ्रूट का पेड़ है ये पपीते का, आपको फ्रूट दिख रहे होंगे। और शुगर केन हालांकि भी ज़्यादा है नहीं, बट एक टाइम पे थे ये काफ़ी, इसके पास एक छोटू सा एलोवेरा भी जगह हुआ है। और लल्ला हमको दिखाएगा अब भुट्टो की बाड़ी, चल। अभी भुट्टे तो छोटे हैं मतलब, पर लग चुकी, आपको एरिया दिखाती हूँ मैं, ये पूरा एरिया है कॉर्न का, ये देसी वाले कॉर्न है, जब उनको मार्केट में स्वीट कॉर्न और हाइब्रिड वाले मिलते हैं वो नहीं है, ये नॉर्मली होते हैं। तो एक हाथ देखते हैं लल्ला की किसी में दाने हैं कि नहीं, वो वाला लग रहा है बूढ़ा, नहीं नहीं ये तो बहुत कॉल है इधर आ। ये वाला देख, तोड़ना नहीं है, पहले छील के देखना है कि अंदर दाने हैं कि नहीं, कर पाएगा? वैसे नहीं, थोड़ा ऐसे करके देख, कोना फाड़ के बस। नहीं आता लल्ला को देख, रुक पकड़ तू कैमरा, वैसा नहीं करते लल्ला, देख हट हट हट। देखिए गाइस, तो इसमें दाने आ चुके हैं, तो हम आज तोड़ लेते हैं इसे, ये अच्छे लगते हैं काफी, मतलब नॉर्मली ये सीजन में ही मिलते हैं, और जो स्वीट कॉर्न रहते हैं वो 12 महीने ही मिल जाते हैं। और इसको चेक करने का एक ट्रिक होता है, जैसे जो इसके ऊपर के बाल होते हैं ना, ये थोड़े सूखने लगे तो इसके इसके दाने आ गए होंगे अंदर, ये इसका इंडिकेशन होता है। ये थोड़ा अभी आप देख सकते हैं कोला है, बट खाने में अच्छा ही लगेगा ये भी, ले इसे भी तोड़ लें। और ये केले के पेड़ भी है यहाँ पे, तो अभी तो लगे हुए हैं काफी, बट अभी टाइम है इनको पकने में, 3 है आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करती हूँ, ये एक है और ये एक है, ये जो बगल में आप ये बैम्बू देख रहे होंगे ना, इसको सपोर्ट देना पड़ता है कि अगर हैवी होने से ये लुढ़क जाते हैं, और ये वो दूसरा, उधर तीसरा। तो अभी तो टाइम है ना अप्रोक्स 2-3 मंथ्स, उसके बाद ही होगा। तो अभी तो हमने 2 कॉर्न हार्वेस्ट कर लिए हैं, देखते हैं आगे और क्या करते हैं। और जो मैं कोकोनट का पेड़ बोल रही थी, ये यहाँ पे है, ये अप्रोक्स 25 ईयर के हो गए हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये फ्रूट्स देते ही रहते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसमें है अभी फ्रूट्स। और ये है एक मैंगो ट्री, यहाँ पे बहुत सारे मैंगो ट्रीज भी है, कस्टर्ड एप्पल के भी हैं, सीताफल के मतलब भी हैं, और अभी सीताफल का सीज़न आने ही वाला है, तो अभी फ्रूट्स भी लग गए हैं उसमें, मैं आपको दिखाती हूँ, और अभी बड़े भी हो गए हैं।
ये इधर तक के है पूरा कॉर्न का एरिया, फिर इसके आगे जाने से हमारे घर में वेल भी है, मीन्स कुआं। मतलब पहले इसका तो काफ़ी यूज़ होता था गाँव में, पहले अधिकतर घर पे कुआं ही यूज़ होती थी। इस पे पहले बहुत सारे सेफ्टी के लिए यहाँ पे ऐसे बाउंड्रीज वगैरह लगे हुए थे, अभी यूज़ नहीं होता है इसीलिए चीज़ें थोड़ी थोड़ी हो के वो हो रही है, मतलब मेंटेन नहीं है। बाकी आप पानी देख सकते हैं अभी भी कितना फुल है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो पानी आ ही रहा है। और मैं आपको ये इसके फ्रूट्स दिखा देती हूँ, अभी बड़े हो रहे हैं ये शायद 10-15 दिन में हो जाए खाने लायक। बहुत सारे लगे इसमें, आपको शायद कैमरा में समझ नहीं आ रहा होगा। एक भी ये केला के पेड़ है, इसमें भी एक खाम है आप देख सकते हैं। एक नीम का पेड़, ये है आम के पेड़। लल्ला ये आम का जो बाड़ी लगाए हैं अप्रोक्स कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। तो गाइज अभी तो मैं नहीं थी, ये 2 सालों पे यहाँ पे इतने जो आम अप्रोक्स कितने 100 पेड़ लगे हैं। हाँ अप्रोक्स 100 पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे आम के, तो शायद ये अगले साल फल दे दे। तो ये पूरा आम का एरिया है। अभी यहाँ थोड़े से घास, ये एरिया, इस एरिया और इस एरिया में को डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ के घास बड़े हैं और इधर घास निकल चुकी है तो क्लीन लग रहा है। तो ये पूरा आपको दूर दूर तक ही दिख रहे होंगे, चार चार पाँच पाँच फिट के जो पेड़ दिख रहे होंगे पूरे आम के हैं, तो लाइन से ऐसे लगा दिए इनको। अगले साल तो काफ़ी फल हो जाएंगे खाने के लिए। ये नर्सरी वाले हैं इसीलिए ये 2-3 साल में फल दे देंगे। और वो है हमारी बोरिंग, मतलब यहाँ से घर पे पानी सप्लाई होता है। और पहले जहाँ आम लगाए हुए यहाँ पे चने लगते थे, तो हम हमेशा यहाँ आके खाया करते थे। और इसके आगे से भी फिर खेत चालू हो जाता है। और यहाँ पे ये मुनगा का भी पेड़ है और उसके आगे भी आम के पेड़ हैं। और ये शायद ही लोग जानते होंगे, इधर के साइड में से महुआ बोलते हैं, वो उसका पेड़ है। यहाँ पर मतलब विलेजेस में इसकी भी अल्कोहल बनती है, तो देसी दारू बोल के पीते भी हैं लोग। और गाय लोग को भी खाने हेल्दी होती है, गर्म होती है, तो अगर कोई गाय प्रेग्नेंट हुई, बच्चा हुआ, तो उसका भी राब बनाकर उनको खिलाते हैं। बाकी इधर से हल्का सा एक थोड़ा सा रास्ता है जाने का, वहाँ से खेत जाते हैं। तो अभी जैसे आपने पहले वीडियो में देखा ही है, अभी खेतों में सिर्फ धान ही लगे हुए हैं यहाँ पे। फिर कुछ अरबी के पत्ते हैं, गांव में तो कहीं भी स्पेस मिलने से अरबी के पत्ते ही लग जाते हैं। फिर अंदर जाने के 2 रास्ते भी हैं। हम वहाँ से आए थे और आपको ये गार्डन दिखाया, फिर यहाँ से अंदर जा भी सकते हैं दूसरा रास्ता से। तो यहाँ पे नींबू का पेड़ है, तो मैं आपको नींबू के फल दिखाती हूँ। और ये कड़ी पत्ती के पेड़ भी हैं। अभी है ना नींबू लल्ला पेड़ में? हाँ है, देखिए अभी नींबू लगे हुए हैं। इसमें 12 महीना फल रहता ही है, अच्छा पेड़ है। हाँ अभी है फल का। चलो और एक और, ये कस्टर्ड एप्पल का पेड़ है, इसने भी फल ली, तो छत से ही टूट जाता है, मतलब ऐसा वाला है। और ये दूसरा आम का पेड़, खेत में भी बहुत आम के पेड़ है और इधर तो यही 100+ आम के पेड़, तो सीजन आने पे बहुत सारे खा सकते हैं।
चलो।